अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि एनएसपी स्कॉलरशिप की में डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें। स्कॉलरशिप का फॉर्म जो फिल करते हैं ना, उसमें डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें। डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करना है, लेकिन उसका अपलोड करने के लिए जो आता है ना, सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ प्लेस, फिर उसके बाद इशू बाय, उसके सबकी डेट वगैरह लिखने की रहती है। तो उसमें वो कैसे अपलोड किया जाए और उसमें क्या लिखे इश्यू डेट में वगैरह, वो सब उस सब में स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने एक वीडियो प्रॉपर उसके ताल्लुक से बनाई है कि कैसे उसको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। आप जैसे ही जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो इंटरफेस नज़र आएगा उसका नाम है यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर। तो सर्टिफिकेट नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ इशू, फिर उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, फिर उसके बाद इशू बाय, यहाँ पर ये डेट लिखनी है। फिर यहाँ पर सेलेक्ट फाइल, चूज फाइल, और यहाँ पर अपलोड नाउ, ये जो ऑप्शन होते हैं। तो इसमें से क्या करने का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है, तो सर्टिफिकेट नंबर आपका अगर होगा तो ही आपको अपलोड करना है। अदरवाइज़ आप नहीं अपलोड करते तब भी इसका कुछ इशू नहीं आता है। आपके पास अगर होगा सर्टिफिकेट नेम तो आप इसको अपलोड करेंगे, यहाँ पर इसको अपलोड करेंगे। अगर कुछ होगा सर्टिफिकेट नेम तो नहीं अपलोड करेंगे। डायरेक्ट भी यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड नाउ पर क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। लेकिन आप अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट नेम होगा तो ही आप अपलोड करेंगे। फिर इसके बाद इशू डेट, अभी इशू डेट क्या है, तो जिस दिन वो डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर रहे हैं वो जिस दिन इशू हुआ उसको बोलते हैं इशू डेट। यानी जिस दिन वो रिलीज़ हुआ, जिस दिन उसके ऊपर जो भी जिसके पास से भी डॉक्यूमेंट्स इशू किया गया है उसकी जिस दिन भी डेट होंगी, साइन और स्टैम्प की जिस दिन की भी डेट होंगी, तो उसको बोलते हैं इशू डेट। तो यहाँ पर आपको इशू डेट इधर अपलोड करनी पड़ेगी। तो इशू डेट में क्या है, आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट्स पर लिखी हुई होंगी, जैसे कि बोनोफाइड अपलोड करते हैं तो बोनोफाइड पर अगर इशू डेट लिखी हुई रहेंगी तो यहाँ पर वो अपलोड करेंगे। अगर आज ही निकाले और आज ही अपलोड करते तो वैसा नहीं करना है, एक दिन या फिर दो दिन पहले निकालना है। फिर उसके बाद वो जो डेट आपने एक दो दिन पहले जो निकाली ना, वो डेट यहाँ पर डालनी है, सेम डेट नहीं डालनी। जैसे कि आज डेट जो है वही डेट को मैंने बोनोफाइड निकाला, आज ही मैं अपलोड करता हूँ, आज ही की इशू डेट वहाँ पर डालता हूँ, ऐसा नहीं करना है। उससे पहले निकालना है, एक या दो दिन पहले, फिर एक या दो दिन पहले की ही डेट यहाँ पर डालना है, समझ गए आप। नहीं तो अगर आज निकालेंगे तो कल या फिर परसों यहाँ पर ये अपलोड करेंगे, और यहाँ पर इशू डेट क्या आएंगी, जो कल या फिर परसों की जो आज की जो डेट होंगी, जो आज निकाले उस टाइम की डेट यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद होता है यहाँ पर ये देखिए प्लेस ऑफ इशू। तो यहाँ पर ये प्लेस ऑफ इशू आपके पास यहाँ पर होगा तो आप यहाँ पर डालेंगे इशू हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स, तो उसका प्लेस क्या था, प्लेस यानी उसकी जगह, और या फिर उसका गांव जो भी आप बोल सकते हैं, तो वो किस जगह से प्लेस हुआ था वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद इशू बाय, कहाँ से वो इशू हुआ था, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। अब अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो ही आप डालेंगे, अदरवाइज़ इसकी कुछ ऐसी ज़रूरत या फिर मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए ये है ना, यहाँ पर सिलेक्ट फाइल, इसमें चूज़ फाइल यहाँ पर करेंगे, ये चूज़ फाइल जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वहाँ पर से डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, डॉक्यूमेंट जो भाई आपका होगा वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अपलोड जो भी आप डॉक्यूमेंट्स करेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद बैंक पासबुक अपलोड करेंगे, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि बोनोफाइड का फ़ोटो अपलोड करेंगे, तो वो किस में होना चाहिए, तो वो 200 KB से कम होना चाहिए। 200 KB से कम ही आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से फॉर्मेट में अपलोड करूँ, तो मैं बता दूं यहाँ पर JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। और यहाँ पर देखिए अब ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अपलोड नाउ पर क्लिक करते हैं आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर मैसेज आ जाएगा अपलोड सक्सेसफुली। अगर ये मैसेज नहीं आता या फिर कुछ एरर आता है यहाँ पर लिखे इस जगह पर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो उसमें NSP में आप जाए NSP से लॉग आउट करेंगे।
तो उस केस में आप क्या करेंगे, एनएसपी से आप लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद फिर से वो लॉग इन करके देखेंगे अगर अपलोड हुआ है तो, नहीं तो इसी तरीके से फिर से अपलोड करेंगे। अपलोड तो हो जाएगा वो, लेकिन उसमें कुछ इशू आई रहेंगे उस वक्त के लिए वेबसाइट में, इसलिए वो इस तरह से बता रहा है, लेकिन वो अपलोड हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं वहाँ पर, यहाँ पर सक्सेसफुली जब तक लिखा नहीं आएगा तब तक उसको अपलोड करने का, आपने अपलोड वहाँ पर उसको करना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे तो बोनोफाइड के मैंने बताया जाए, ये जो इशू डेट है वो यहाँ पर आपकी 2 या 3 दिन या फिर 1 दिन पहले की होनी चाहिए। आज ही आप निकालेंगे और आज ही अपलोड करेंगे ऐसा मत कीजिए। और यहाँ पर इशू डेट जो लिखेंगे वो आज की मत लिखिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू, तो यहाँ पर जो है ना वो आपको मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास होंगे तो ही आप इसको अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड अपलोड नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड नाउ पर क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे और यहाँ पर जो है ना सक्सेसफुली अपलोड का यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा।